राजी का तो दिन ही खराब हो गया। पहले एक कौवा उसका पकौड़ा झपट कर ले गया और अब वो उसके सबसे अच्छे दोस्त सलीम को ही चबा जाना चाहता है। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, इससे कई ज्यादा बुरा हो सकता है। कहानी का नाम है कागासोरस। ओरिजिनल अंग्रेजी कहानी के लेखक है शालिनी श्रीनिवासन, हिंदी में अनुवाद किया है ऋषि माथुर और चित्र बनाए हैं प्रभा मल्या। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। राजी एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठी थी, पकौड़ा खाते हुए किताब पढ़ रही थी कि तभी एक कौवा उसके पास आया। कैसे हो कागा? राजी ने कहा। जैसे ही राजी ने पकौड़ा खाने के लिए मुंह खोला, वैसे ही कौवे ने झपट्टा मारा, पकौड़े को चोंच में दबाया और उड़ गया। राजी ने लपक कर अहाते की दीवार लांघी और सड़क पर दौड़ पड़ी। रे बदमाश, निवाला चोर, निठल्ले कौवे, मेरा पकौड़ा वापस दे। कौवा धीरे धीरे उड़ रहा था। उसका शरीर बड़ा और भारी होने लगा और साथ ही उसके पंख भी छोटे होने लगे। अभी तेरी खबर लेती हूं, राजी ने कहा। तभी साइकिल चलाता सलीम वहां आया। थका हारा कौवा आसमान से सीधे सलीम और उसकी साइकिल पर गिरा। धड़ाम! राजी दौड़कर उनके पास पहुंची। सलीम अपनी साइकिल समेत सड़क पर चारों खाने चित पड़ा था। उसके सिर पर अजीब सा जीव अपने बाजू जैसे डैने फड़फड़ा रहा था। वो जीव बड़ा और ताकतवर था और उसके दांत भी थे। अरे, उसने सलीम को काट लिया बड़ी जोर से। कच! अरे रे रे, सलीम की चीख निकल गई। तुम्हारा कौवा तो मुझे काट रहा है। ये मेरा कौवा नहीं है, राजी ने कहा। वैसे सच पूछो तो ये कौवा ही नहीं है। उन्होंने देखा कि वो अब कहीं से कौवा नहीं लग रहा था। तुम सही कह रही हो, ये तो कोई डायनासोर है, सलीम ने चिल्लाकर कहा। कौवे जैसा डायनासोर अपने डैने फड़फड़ाता बाजार की तरफ भाग गया। अगर इसने और लोगों को काट लिया तो? राजी ने पूछा। हमें इसे रोकना होगा, सलीम ने जवाब दिया। कौवे जैसा डायनासोर बाजार में का का ऐसे चिल्लाता, सबको धक्का देता घूमने लगा। प्रोफेसर आंटी बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। अरे ये क्या, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या ये सचमुच का जीता जागता थेरोपॉड है? प्रोफेसर आंटी, क्या आपने देखा? राजी और सलीम ने उन्हें संभालते हुए पूछा। क्या पक्षी जैसा डायनासोर? हाँ देखा, लेकिन तुम्हें ये जीव कहाँ मिल गया? उन्होंने पूछा। ये बहुत पहले हुआ करते थे और ना जाने कब के खत्म हो चुके हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन सिर्फ इनकी हड्डियां ही देखी थी। कुछ समय पहले तक जो कौवा था वो जीव बाजार से बाहर जाने लगा। राजी, सलीम और प्रोफेसर आंटी उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजी ने तेजी से आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। पकड़ लिया हा! राजी ने कौवे जैसे डायनासोर को कसकर जकड़ रखा था। सलीम भी वही बैठ गया, फिर बोला, अरे ये तो टीरेक्स में बदल रहा है। अरे ये दोनों तो एक ही परिवार के हैं, हाफते हुए प्रोफेसर आंटी ने कहा। मेरा मतलब है पक्षी और डायनासोर, और इसका उल्टा विकास हो रहा है, यानी कौवे से वापस डायनासोर के रूप में। तभी कहीं से एक चिपकली आई और पलक झपकते ही डायनासोर ने उसे मुंह में दबोच लिया। अरे धत तेरे की, अपने रिश्तेदार को कहीं खाया जाता है?
राजी चिल्लाई, ये तो वैसा ही हुआ जैसे मैं अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों को चटकर जाऊं। सलीम ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, प्रोफेसर एंटी ने कहा, पक्षियों का विकास डायनासोर से ही हुआ है, इसलिए मगरमच्छ से उनका ज्यादा नजदीकी रिश्ता है, लेकिन छिपकलियां रेंगने वाली जीव होते हुए भी बिल्कुल अलग तरह की सरीसृप है। कौवे से डायनासोर बना वो जीव जमीन पर ही कुंडली मारकर बैठ गया और उसने बहुत तकलीफ भरी आवाज निकाली, मुझे लगता है कि ये ना उड़ पाने से दुखी है, सलीम ने कहा। राजी ने उसके पतले लंबे से मुंह पर हाथ फेरा। फिर सब प्रोफेसर एंटी के घर गए। वहां मेज पर एक प्लेट में पकौड़े रखे थे। राजी बोली, क्रा, डायनासोर बोला। फिर अपने शरीर को फैलाते हुए वो प्रोफेसर एंटी के बराबर लंबा हो गया। उसने पकौड़े वाली प्लेट पर मुंह मारा और स्टील की प्लेट समेत सारे पकौड़े चट कर गया। फिर उसने एक जोर सी डकार ली और यूं ऐसे करके अपनी चोंच खोली कि उसके सारे के सारे दांत नजर आने लगे। राजी और सलीम ने खीसे निपोरते हुए एक दूसरे को देखा और उनके मुंह से एक साथ निकला, कागासोरस रेक्स। बच्चों, कहानी तो यहां खत्म हुई। थोड़ी सी जानकारी, पक्षियों का विकास डायनासोर के डायनासोरों के एक परिवार थेरोपॉड से हुआ है। अक्सर पक्षियों को जीते जागते डायनासोर भी कहते हैं। अगर मामूली फर्क को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पक्षी और डायनासोर वास्तव में बहुत कुछ एक जैसे ही होते हैं। पक्षी, उनकी विशेषताएं, पूंछ की छोटी हड्डियां, उड़ने में मददगार लंबे और चिकने पंख, सिर्फ पैर और गर्दन पर सांप जैसे शल्क, बिना दांत वाली चोंच, बड़े डैने, हल्की खोखली हड्डियां। अभी डायनासोर की विशेषताएं, लंबी पूंछ, छोटे बेतरतीब पंख, सारे शरीर पर शल्क, दांत से भरा थूथन, छोटे डैने जिनसे उड़ा नहीं जा सकता, भारी हड्डियां। कहानी खत्म, मुझे और एक सुनिए, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां, तो चलो मेरे साथ www.booksthatspeak.com पर। एरवावी एरवावी।